महिलाओं पर जागृति करने के लिए। यह आज उत्तर प्रदेश में बेटियों की महिलाओं की हालत है। अगर उत्तर प्रदेश में किसानों के हालत की बात हम करें, हम लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हैं। उन्होंने एक वाक्य कहा था, देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलियानों से होके जाता है। ईमानदारी के प्रतीक हिंदुस्तान के किसानों की एक मजबूत आवाज चौधरी साहब इसी बागपत के क्षेत्र के, जिनको पूरी दुनिया आज भी याद करती है, पूरा देश आज भी याद करता है, क्योंकि जब तक वो जिंदा थे किसानों के हक के लिए लड़ते रहे, किसानों की हक की बात करते रहे। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि एक ऐसा नेता देश की सत्ता पर बैठा हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, उसने 3 किसानी बिल पास किए हैं। और किसान यूनियन के आदरणीय राजवीर सिंह जी हैं, भानु गुट के हमारे महासचिव जी हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, ये तीनों किसानी बिल किसानों के डेथ वारंट पे नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश की हालत आज ये कर दी, किसी जिले का अखबार उठाकर देखिए आपका सिर सर से झुक जाएगा। कहीं 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, और कहीं तो 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका शरीर काट दिया जाता है। हमने देखा हाथरस का कांड, हमने देखा बलरामपुर का कांड, हमने देखा लखीमपुर का कांड, हमने देखा जौनपुर का कांड, हमने देखा गोरखपुर का कांड, हमने देखा झांसी के अंदर एक बेटी अपने बाप को चिट्ठी लिखकर कहती है, पापा मम्मी जो लोग हमें तंग कर रहे थे उनसे बदला जरूर लेना, और जहर खाके अपनी जान दे देती। ये उत्तर प्रदेश की हालत हो गई आदित्यनाथ की सरकार में। आज बेटियों के लिए नहीं है, उनको इस्तीफा देके गोरखपुर चले जाना चाहिए। आज पूरी की पूरी सरकार बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है, नारा देते हो बेटी बचाओ। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माताओं बहनों को चिढ़ाते हो, मिशन शक्ति मिशन शक्ति। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मिशन शक्ति के नाम पे करोड़ों का विज्ञापन, अखबारों में करोड़ों का विज्ञापन। अरे तुम्हारा मिशन शक्ति क्या है आदित्यनाथ जी, मैं जानता हूं तुम्हारा मिशन शक्ति यह है कि बलात्कार के मामले में लिप्त कुलदीप सेंगर का साथ दो। तुम्हारा मिशन शक्ति यह है कि बलात्कार के मामले में लिप्त चिन्मयानंद का साथ दो। तुम्हारा मिशन शक्ति यह है कि हाथरस कांड के बलात्कारियों का साथ दो। तुम्हारा मिशन शक्ति का मतलब यह है कि एक महिला कांस्टेबल को लखीमपुर खीरी में बीजेपी के नेता ने छेड़खानी की, उस महिला कांस्टेबल ने गिरफ्तार करके जब उस बीजेपी नेता को थाने ले जाने का काम किया तो बीजेपी का विधायक उसको छुड़ाने के लिए पहुंचता है। इसका मतलब आदित्यनाथ का मिशन शक्ति यह है कि अपनी ताकत दिखाओ, अपनी शक्ति दिखाओ महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए। कोई फैसला हमारी पार्टी ने नहीं किया है, अभी हम अकेले ही अपनी तैयारी में लगे। अच्छा, आपने अभी कहा था अपने भाषण में कि अमेरिका ने 4 साल में एक पागल से छुटकारा पा लिया है, आप भी तो पागल जैसे शब्द का इस्तेमाल और ढोंगी बाबा जैसे शब्द का इस्तेमाल आप उचित मानते हैं? इसलिए मैं उचित मानता हूं क्योंकि जिस प्रकार के ट्रंप के बयान आए, कोरोना की महामारी के दौरान उनके देश के लोग गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन उस आदमी ने अपनी सनक की वजह से 2 लाख से ज़्यादा अमेरिकियों की जान गई कोरोना में। आज उसका परिणाम है कि वहाँ की जनता ने ट्रंप को हराया बुरी तरीके से। इसके अलावा लगातार भारत के प्रधानमंत्री को एक टैबलेट एक दवा न देने पर उसने धमकी देने का काम किया था, तो हम ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकते। नहीं, उसकी समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि भैया